ये किसने किया है? मतलब मेरे पीछे से घर में ये सब करते हो तुम लोग? चिंटू तू बता किसने किया है? गोलू तू बता। और टोनी तू बता किसने किया है? इसने 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 इस कुत्ते के बच्चे ने किया। ए नहीं मत कर। नहीं मत कर। आप भी ध्यान से चीजें खरीदिएगा, कहीं आपके साथ भी ऐसा धोखा ना हो जाए। मतलब आजकल आप एक बार खांस दो बस, कुत्तों तक में भी कोरोना का डर बैठ गया है। मतलब फोन गिरने का तो दुख है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख ये है कि जहां गिरा है वहां से वापस ही नहीं आ सकता कभी। ये है मलेशिया का 2D कैफे, जहां हर चीज ऐसी लगती है जैसे कि वह पेन से कागज पे बनाई हुई ड्राइंग हो। म्यांमार में एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहां आप जितनी कम जगह से निकलोगे आपको उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। हमारे ये कलाकार भाई साहब पेड़ पे एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं। ये थी 2002 में नोकिया की एड, लेकिन अगर ये एड 2020 में बनती तो कुछ ऐसी लगती है। इस बार गणेश चतुर्थी पे ओडिशा में यह गणेश भगवान जी की मूर्ति बनाई गई, जो कि सिर्फ केले और बैंबू से बनी है। और इस मूर्ति के बनाने के 10 दिन बाद जब सारे केले पकने लगे तो उन्हें गरीबों में बांट दिया गया। क्या आपने एक नॉर्मल से कांच को कभी डायमंड बनते हुए देखा है? हाँ, माना कि यहाँ पे सब कुछ देखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरी क्यूटी से ज्यादा सुंदर थोड़ा होगा कोई। इस टैटू पे की हुई एनिमेशन बड़ी सुंदर लग रही है। ये पिग बिल्कुल इंसानों की तरह पॉटी करता है। ये बाप अपने बच्चे के साथ इस खिलौने का बस आखिरी टुकड़ा लगाने ही जा रहा होता है कि मम्मी सारा खेल खराब कर देती है। उसके बाद तो मानो बाप अंदर से ही मर जाता है और बच्चे से ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। <नहीं। laughs>
इस डांस फॉर्म को लैजगिंग का डांस फॉर्म कहते हैं, जो कि एक कोकेशियन डांस स्टाइल है। इस वीडियो की खराब क्वालिटी के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन ये डांस देख के आपको पक्का अच्छा लगेगा। अरे छोड़ो उस करम जले को, मैं हूं ना। लाइट का वीडियो रिकॉर्डिंग पे बहुत असर होता है। अब यहाँ जहाँ लाइट कम है वहाँ की वीडियो देखने में काफी अलग दिखती है, और जहाँ लाइट ज्यादा वहाँ की भी वीडियो देखने में काफी अलग लगती है। आप खुद ही देखो और बताओ मुझे कमेंट्स में, आपको भी फर्क लगा ना। मतलब इस वेबसाइट की ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी कि मतलब शरेआम ही लिख दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पैंडा चावलों से बनाया गया है। तो यार इसी क्यूट सी फोटो के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा या बुरा लगा, जो कि मैं अगली बार ठीक कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं यार अगली वीडियो में।